सुप्रभात बच्चों, आरपी स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, तो हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे थे और सही के सामने सही लगा रहे हैं और रिक्त स्थान हम लोग कर चुके हैं, है ना बच्चों? तो चलिए आगे, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग भाषा पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग मात्राएं देखेंगे कि जब हम लोग किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो किस प्रकार हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग लगता है ना कि कोई कोई शब्द गलत है सुनने, जब हम लोग कुछ बोलते हैं जैसे कि हम लोग जिस प्रकार करने वाले हैं रुपया, तो रुपया बोलते हैं तो सुनने में ही लगता है कि कुछ गलती है, यहाँ पे मात्रा की गलती है ना। तो जब हम लोग रुपये बोलते हैं तो हम लोगों को सही लगता है। तो आज हम लोग इसी प्रकार मात्रा सीखेंगे, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, कहाँ पे किस समय लगाया जाता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी पुस्तक निकाल लीजिए तो मैं आपको रुपया ही बता रही हूँ, है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिखते रुपया, यहाँ पे रुपया है ना जो हम लोगों को लिखा हुआ है हमारे पुस्तक में। तो यहाँ पे कौन सी गलती है, मात्रा की कौन सी गलती है, यहाँ पे छोटी मात्रा लगाई गई है ना बच्चों, तो यहाँ पे यह सही है। यहाँ पे र में छोटी की मात्रा लगाई गई है, पूरा प है ना, या, तो यहाँ पे कौन सी गलती है इस प्रकार देखिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। रुपये, रुपये आप लोग पैसे में भी देखते होंगे कि इसी प्रकार से लिखा जाता है ना। तो बहुत कुछ हम लोग देखकर सुनकर भी हम लोग सीख लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द मैंने आप लोगों को बताया जहाँ पर हम लोग उच्चारण करके भी समझ जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग गलत बोल रहे हैं और गलत लिख रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से और भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा गया है दीवार, तो यहाँ पे कौन सी गलती लिख रही है बच्चों आप लोगों को, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगाई गई है ना, है ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पे मात्रा की गलती है, यहाँ पे दीवार इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, है ना बच्चों। चलिए और तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है अत्यधिक, अत्यधिक यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाई गई है। तो यहाँ पे आप लोग अगर सुनते हैं ये शब्द ऐसे हैं जो हम लोग उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे मात्रा हम लोग नहीं देखते, लेकिन बहुत ऐसे शब्द हैं जहाँ लिखने के बाद हम लोग को गलती नजर आती है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ अत्यधिक, यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी, इससे आप लोग समझ सकते हैं, है ना। तो हम लोग ये मात्रा देखे, तो मैंने दो चार आप लोगों को समझा दिए हैं, तो आप लोग बाकी जितना है आपका गृह कार्य है उसको आप लोग देख लीजिएगा, जब आपकी स्कूल खुलेगी तो इसको हम लोग और अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आज अभी के लिए इतना ही, तो चलिए आगे के प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। अब हम लोग सर्वनाम देखेंगे, तीन चार वाक्य दिए गए हैं उसमें से हम लोगों को सर्वनाम चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सर्वनाम चुनो, तो सबसे पहले बच्चों सर्वनाम किसे कहते हैं वो हम लोग जानेंगे, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे मैं, वह, वहाँ, उसने, ये सब क्या हुआ, सर्वनाम हुआ जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं। और संज्ञा क्या होता है, जैसे हम लोग नाम बुलाते हैं ना, रहीम बाजार जा रहा है ना, तब यहाँ पे संज्ञा क्या हुआ, हमारा रहीम संज्ञा हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं वह बाजार जा रहा है तो हमारा सर्वनाम कौन हुआ, वह हुआ ना। तो इस प्रकार आप लोग भी समझिएगा, जब आपकी स्कूल खुलेगी तो मैं अच्छे से और इसको समझाऊंगी, जब हम लोग भाषा करेंगे तो इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक वाक्य के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम क्या है। तो हम लोग पुस्तक में देखते हैं, वह रशीद से बड़ा था, वह रशीद से बड़ा था। तो यहाँ पे रशीद क्या है, यह संज्ञा है ना। आप लोगों को मैंने अभी तुरंत बताया कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जो नाम है, मैंने आप लोगों को एक बार संज्ञा समझाया था तो मैंने बताया था ना, किसी प्रकार का नाम, शहर का नाम या बड़ा बड़ा जो नाम होता है उसे हम लोग संज्ञा की संज्ञा दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे यह संज्ञा है, हमारा सर्वनाम कौन सा,
यह क्यों हमारा करता है कर्म से मैंने आप लोगों को समझाया है, याद है कि नहीं बच्चों? तो मैंने यहाँ पे एक एक बिंदु करके आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है आप लोग इसको समझ गए होंगे भली भांति। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दुकानदार ने मेरे सब रुपए हड़प लिए। दूसरा देखते हैं, दुकानदार ने मेरे सब रुपए क्या कर लिए बच्चों? हड़प लिए। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि क्या यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है? हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ सर्वनाम चुनना है। जैसे मैंने आप लोगों को यह समझाया था, एक एक बात मैंने समझाया है कि यहाँ पे संज्ञा कौन है, सर्वनाम कौन है, विशेषण कौन है, कर्ता कौन है, है ना? तो मैंने जिस प्रकार आप लोगों को समझाया उसी प्रकार से ये भी आप लोग को करना है। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपका गृह कार्य है, ठीक है बच्चों? तो और दो तीन है इसमें, तो आप लोगों को ही करना है, मैं बस आप लोगों को समझा दी हूँ। और जब हम लोग भाषा करेंगे तो संज्ञा को और विस्तार रूप से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? और एक है देखते हैं हम लोग। चाचा जी मैंने देखा कि एक बूढ़े आदमी को इनाम मिला। यहाँ पे एक वाक्य था, चाचा जी मैंने देखा कि वहां पे एक बूढ़े आदमी को इनाम मिला। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? मैंने, है ना बच्चों? यहाँ पे मैंने, और जो चाचा जी है वो क्या है? संज्ञा है ना। तो इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि सर्वनाम कौन सा है और संज्ञा कौन सा है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग भी संज्ञा और सर्वनाम में भेद समझिए कि वो किस प्रकार अलग है ना, विशेषण किस प्रकार से अलग है। जब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे तो हम लोग भाषा भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जब भाषा अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।